मोर छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। मिशन 71 पर निकले सीएम भूपेश बघेल। तो हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने निकले हैं सीएम भूपेश बघेल। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज विधानसभा क्षेत्रों के दौरे की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले सामरी विधानसभा क्षेत्र का दौरा, वही जनता नेताओं से सीएम का सीधा संवाद। तो बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। मिशन 71 पर निकले हैं सीएम भूपेश बघेल। हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। वहीं आज से विधानसभा क्षेत्रों के दौरे की शुरुआत हो गई है। आज से सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम भूपेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज से प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया है, क्योंकि सीएम भूपेश का फोकस मिशन 71 पर है। इसकी शुरुआत उन्होंने सरगुजा संभाग से की है। आज सबसे पहले सीएम बलरामपुर के सामरी विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। वो हर दिन विधानसभा क्षेत्र में किन्हीं 3 गांव में जाएंगे। इस दौरान स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों, हारे हुए नेताओं से सीधे संवाद करेंगे। इसमें सब लोगों से मुलाकात हुई, सभाएं हुई, लोकार्पण, भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, सब समाज के लोगों से मुलाकात हुई। इस समय जमीन में जाके, धरातल में जाके उन सब योजनाओं के बारे में जानकारी लें, सबसे भेंट मुलाकात। मुख्यमंत्री के तौर पे पहली बार ऐसा होगा जब आप पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कर चुके हैं, फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से, जनता से। तो बहुत सारे अवसर आएंगे इसमें इंटरेक्शन के। बिल्कुल सही बात है। उससे आम जनता से मुलाकात करने से, जनप्रतिनिधियों से मिलने से बहुत सारी जानकारी मिलती है योजनाओं के बारे में, कार्यक्रम के बारे में, और क्या क्या उसमें और नया जुड़ना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी होती है। तो ये उस प्रकार से इस संवाद में समस्याएं भी से भी अवगत होंगे आप। जब जाएंगे तो सब प्रकार की बात होती है भाई। जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल भी जाएंगे, तो पीडीएस साहब भी जाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र भी जाएंगे, तो जो पंचायत भी जाएंगे, थाने भी जाएंगे, किसी जगह नगर पंचायत के दफ्तर भी चल देंगे। तो जहाँ जैसे स्थिति बने, ऐसा नहीं है कि उसमें इतने भी जाना ही है, जहाँ जैसा अवसर मिले वहाँ। परफॉर्मेंस का आकलन और उनकी रिपोर्ट कार्ड एक तरह से देखिए, हम लोग तो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो तो 24 घंटा चलते रहता है इसका परफॉर्मेंस कैसा है, नहीं है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अच्छा है, खराब है, यहाँ सुधर गया, यहाँ यहाँ बिगड़ गया, वो सब तो 24 घंटे चलते रहता है। सबको कितना फायदा मिलेगा 2023 में इसका? आप इसको इलेक्शन से जोड़ के मत देखिए। इलेक्शन में आने में तो अभी 1.5 साल बाकी है। जब ये कैलेंडर बदल जाएगा तब आप कहिएगा कि हाँ अब इलेक्शन ईयर आ गया। मतलब 2018 वाले भूपेश बघेल दिखेंगे इसमें? मैं पहले भी वही था, अब भी वही हूँ। मुझ में क्या अंतर? केवल ये है कि पहले प्रदेश अध्यक्ष था, अब मुख्यमंत्री बन गया। बचत तो ना आप लोगों के साथ संबंध है, या आम जनता से संबंध है, कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधि मेरा संबंध उसी प्रकार से जो पहले था। क्रियान्वयन की भी आप जानकारी लेंगे, गड़बड़ियों के भी कई जगहों से शिकायतें ऐसे भी आई होंगी, आप जमीनी अधिकार देखेंगे, अधिकारियों की जिम्मेदारी किस तरह से तय करेंगे? वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे शाबाशी भी देंगे, प्रोत्साहन भी देंगे। पहले हो तो जाने दीजिए, उसके बाद फिर बताएंगे। ना ये विकास यात्रा, मैंने नहीं कहा ये, पता नहीं कहां बात आ गई। सर, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में दौरे क्षेत्र को विवाद छिड़ गया, राजनीति हो रही है। देखिए, ये हमारे हाथ नहीं है, जहां है वहां बात करिए, यहां तो ऐसा कुछ नहीं है।
उपेंद्र भैया, बालोद जिले में हिंदू वर्सेस आदिवासी का एक एजेंडा खुल के सामने आ रहा है। जहाँ जहाँ इस प्रकार के मामले आएंगे वो कानून सबके लिए है, और पहले तो समझाइश दे के बुला के बात की, प्रशासन बात करके इस समस्या का समाधान कर, और नहीं तो फिर आखिरी में फिर कानून है ही। अच्छा, मध्य प्रदेश में दो आदिवासियों की पीट पीट करके हत्या कर दी गई, गौ तस्करी के कब आज की देखिए, ये देश में इस प्रकार के जो या तो फिर उन लोगों को पूरे सभी मवेशियों का ध्यान रखना चाहिए जितने पशुधन है, चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, जिसका भी हो, वो सबका ध्यान रखें, उसकी व्यवस्था कर लें, और उसके बाद यदि कोई करता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई उसके खिलाफ होना चाहिए। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, यदि गौ तस्करी हो रहा है तो उसके लिए भी पुलिस है, हमारे वेटनरी विभाग है, उनके माध्यम से आप कार्रवाई करें, सीधा कानून को हाथ मिले तो फिर कानून की स्थिति क्या रह जाएगी। सर मतलब सब लोग यदि इस प्रकार से करेंगे तो अराजकता फैलेगी। सर दौरा आप कर रहे हैं लेकिन विपक्षी नेताओं के अंदर बेचैनी जो है काफ़ी बढ़ गई है, वो काफ़ी सोचने मजबूर हो गए कि आखिर दौरे के मायने क्या है। अब वो सोच ही रहे हैं अभी तक के, चाहे राम वनगमन पर्यटन पर्वत की बात हो, चाहे गौठान की बात हो, चाहे हमारे तीज त्यौहार मनाने की बात हो, चाहे राजगीत की बात हो, चाहे वो बोरे बासी खाने की बात हो, वो केवल सोच ही रहे हैं, आगे भी सोचते रहेंगे। सरकार ने पूंजी का प्रपोजल मंगाया है, कहाँ से यहाँ पूंजी का जो गए हुए हैं उसको प्रपोजल मंगाया है केंद्र सरकार ने, जो 5 करोड़ से अधिक की राशि के प्रस्ताव पूंजीगत में 2022-23 में बजट में आए थे। कब आपको पत्र मिला? ऐसी खबरें छपी है। अच्छा, किसी वो तो भाई भारत सरकार से बजट में जो चीज़ें हैं वो तो सार्वजनिक है, और उसमें क्या क्या हो रहा है वो भी सब जानकारी है, और भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लगातार पत्राचार चलते रहता है, उसमें छुपाने पाने जैसी कोई बात नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का भी दौरा हो रहा है, सब सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ आए, बस्तर में बहुत ज़्यादा देखिए, सब बस्तर गए, देखे, एक शब्द उन्होंने बोला, जितने भी बस्तर में दौरा किए हैं तो सबका स्वागत है। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल का अब ताबड़तोड़ दौरा है, विधानसभा क्षेत्रों में अब जाएंगे और ताबड़तोड़ दौरे करेंगे। तो वहीं अब हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सिकंदर खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से, उनसे जाना चाहेंगे। सिकंदर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि सीएम भूपेश बघेल अब ताबड़तोड़ विधानसभा क्षेत्रों में रैली करेंगे, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? माफ कीजिएगा, ताबड़तोड़ दौरे पर है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है सिकंदर? सरकार के 3.5 साल जो है अब पूरे हो चुके हैं, ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के पूरे 90 विधानसभा सीटों की दौरा करेंगे और हर एक सीट में पूरा एक दिन अपना समय देंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जिस तरह से जो मंशा है कि 2018 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जबरदस्त परफॉर्मेंस करके 68 सीटें कांग्रेस जीती थी, तो उसी तरह से रिपीट उसी परफॉर्मेंस को दोहराते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री आज सवेरे जिस तरह से ट्वीट के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि आज से 90 विधानसभा सीटों का दौरा होगा और सभी 90 विधानसभा सीटों में आप लोगों से मिलने आ रहा हूं, आप लोगों से मुलाकात करने आ रहा हूं, आप लोगों के बीच आ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आज 4 मई से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिला के तामरी विधानसभा सीट पर यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ किसी भी तीन गांव में पहुंचेंगे, तीनों गांव में पूरा दिन अपना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ सरकार की जो 3.5 साल की सरकार में जो योजनाएं आई थी उन सभी योजनाओं का समीक्षा करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि जो अधिकारी हैं वो भी वहां रहेंगे। दूसरी बात आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर 3 गांवों में जो है वो अपना पूरा का पूरा एक दिन का समय यहां पर बिताते हुए नजर आएंगे। जी सिकंदर, आज सबसे पहले जो उनका दौरा है वो सामरी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के लिए निकले हैं, और इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो दौरे हैं काफी ज्यादा अहम भी दौरे हैं सिकंदर। बिल्कुल,
सोनाली आपको बता दूं कि मिशन 2023 को लेकर के कांग्रेस कहीं भी किसी भी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि जिस तरह से मतलब जो सरकार ने जो योजनाएं चलाई है छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर के बहुत आगे रहते हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को या परंपरा को लेकर के, छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के, जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो 3.5 साल में जो काम किए हैं अब उन काम की समीक्षा करने की आवश्यकता आ गई है, क्योंकि मैं साल भर चुनाव को बचा हुआ है और इस साल भर में सरकार को इस 3.5 साल में सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो काम किए हैं क्या वो सभी काम आम जनता के बीच में पहुंचा है, जो योजनाएं चालू हुई क्या उन योजनाओं का आम जनता को लाभ मिला है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि सीधा अटैक कर रहे हैं, मतलब पब्लिक के दिल में ग्रामीण क्षेत्रों में सीधा मुख्यमंत्री का एक अटैक है, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं कि शासन की जो योजनाएं बनाई है कहीं अधिकारियों की कोई लापरवाही तो नहीं हुई है। और दूसरी बात आपको बता दूं, यहां पर पूरे अधिकारी भी सतर्क हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं चली है उन सभी योजनाओं को लेकर के अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ऐसा पहली बार हो रहा है कि इन 3.5 सालों में सरकार जो खुद है, क्योंकि काफी अंतराल के बाद बघेल जी छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे, तो मतलब थानों में भी जाएंगे, पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रही है, पुलिस को क्या परेशानी है, मतलब हर वर्ग पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब हर वर्ग की समस्या सुनेंगे, हर वर्ग के बीच में बैठेंगे। दूसरी बात है किसी भी गांव में देर रात गुजार भी सकते हैं। सिकंदर, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि थाने में भी जाएंगे और वहां पर भी उन थाने का जायजा लेंगे, पूछताछ करेंगे कि क्या कुछ उनको कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि एक हड़कंप सा मचता हुआ नजर आ रहा है कई जगह। बिल्कुल, देखा जाए तो 2023 को लेकर के भूपेश बघेल जी, 2023 विधानसभा चुनाव पास है और सरकार जिस तरह से अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से कहा कि पहले सरगुजा उसके बाद बस्तर, मतलब इन दो क्षेत्रों को, दो बड़े क्षेत्र हैं जहां से सरकार को कामयाबी, अगर इन जगहों से सीटें निकलती है, क्योंकि कांग्रेस को सरकार बनाने में बस्तर और सरगुजा बड़ी मदद की थी, इससे बड़ी मदद हुई थी, इस क्षेत्र से काफी सीटें, लगभग सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में ही गई थी। और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामरी के अलावा कुसमी क्षेत्र में भी जाएंगे, शंकरगढ़ में भी जाएंगे, पूरे एक दिन में 3 गांवों का दौरा करेंगे, 3 गांवों में ग्राम पंचायत हो या नगर पंचायत उन कार्यालयों को भी दौरा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि देर रात किसी भी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री रुक सकते हैं जी। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में तो उत्साह है कि उनका मुख्यमंत्री उन तक पहुंच रहे, लेकिन अगर आधिकारिक वर्ग की बात करें या फिर जनप्रतिनिधि की बात करें तो इन सभी लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो विकास काम है, जो योजनाएं हैं, जो लोगों तक पहुंची थी कि नहीं पहुंची है, उन सभी योजनाओं का समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। जी सिकंदर, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।